वंदे मातरम, मेरा नाम शेर सिंह प्रजापति है और हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम है शेर सिंह क्ले हैंडीक्राफ्ट। हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं काफ़ी लंबे टाइम से, और आज का जो विषय है हमारा वीडियो बनाने का विषय ये है कि मिट्टी की हांडी में मटन कैसे बनाना है। आज हम आपको पूरा समझाने की पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बेसिकली लोगों की एक शिकायत भी है कि हमारी हांडी नीचे से काली हो जाती है। आज मैं एक हांडी, जिस हांडी में मैंने आज मटन बनाया है, तो उस हांडी को मैं आपको दिखाने की भी पूरी कोशिश करूँगा, समझाने की भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हांडी काली नहीं होगी आगे से। अब किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। ये हांडी है हमारे पास, जो हांडी है अभी, इसके नीचे आप मिट्टी की एक लेयर बना लें। मिट्टी की लेयर बनाने के बाद ये डबल परत हो जाएगी। जैसे मिट्टी है आपकी, जैसे हांडी है जो आपकी, उसके ऊपर मिट्टी लगाने के बाद आप इसको गैस पे रख दीजिए। उसके बाद आप इसमें जैसे मर्जी खाना बनाएं, और कोशिश करें ऐसे ही मिट्टी लगा के बनाएंगे तो आपकी हांडी अंदर से और बाहर से काली नहीं होगी। इसके अंदर जो भी आपको बनाना है, कुछ भी बनाना हो, वेज या नॉन वेज, क्योंकि नॉन वेज में काफ़ी देर तक हांडी रखी रहती है, इस वजह से ख़राब हो जाती है। बहुत लोगों की शिकायत भी है, लोग बोलते हैं कि हमने हांडी इधर से खरीदी है, दराई बाई से कहीं से खरीदी है, हमारी हांडी लीक होने लग जाती है। लेकिन वो हांडी फिर लीक नहीं होगी। आप हांडी कहीं से भी लीजिए, लेकिन हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप इसके अंदर एक परत बना दीजिए मिट्टी की, उसके बाद इसको रखिए आप, और इसके अंदर आप वेज नॉन वेज कैसे भी करके बना सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि आपको जितनी भी हार्ड कोर सब्जी बनानी है, किस तरीके से बनानी है, मटन बन गया तो सब कुछ बन गया है, क्योंकि मटन में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में। आपकी कोई भी शिकायत है, आप किसी भी तरह की, आपकी हांडी में कोई परेशानी आ रही है या आपके किसी भी मिट्टी के बर्तन में कोई भी परेशानी आ रही है, आप मुझे कॉल ज़रूर करें। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है मिट्टी के रिलेटिव, और आपको मैं एक और विषय के बारे में बोल दूँ, उसको धोना कैसे है, मिट्टी के बर्तन को धोना कैसे है। आप मिट्टी के बर्तन को धोने के लिए एक छोटी सी सिंपल सी प्रतिक्रिया है, आपको सिर्फ गर्म पानी करना है और हफ्ते में दो बार हांडी को डिप करके छोड़ देना है, या बाल्टी में या किसी टब में, छोटे मोटे टब में आप हांडी को उसमें डिप करके छोड़ दें। जो उसका ऑयल है, जो भी उसका ऑयल होगा, या उसमें जो भी किसी तरह के जैसे मसाले वगैरह चिपक जाते हैं, वो सब बाहर आ जाएगा। और हांडी के अंदर जब ऑयल बाहर आ जाएगा, इसको पूरा डिप करके डाल दोगे तो ऑयल बाहर आ जाएगा हांडी के बाद, और आप उसको फिर इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं दोबारा। और आप हांडियों में ही बनाना खाना पसंद करते हैं, बार बार आपको हांडियों में ही बनाना है, तो आप नीचे मिट्टी की एक लेयर बना लें, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये धोने का जो तरीका मैंने बताया, इसको आप एक बार यूज़ करके देखें, और ज़रूर मुझे मैसेज करके बताएं या फ़ोन करके बताएं। हम आपके मैसेजेस का वेट करेंगे इस बारे में कि आपकी हांडी कैसी चल रही है, किस तरीके से चल रही है, और आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Oh, 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 oh
Yeah. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Me in the corner.